अगर आपने कोई भी पिक्चर खींची है और आपके पिक्चर में कुछ अनयूज्ड ऑब्जेक्ट आ गया है और आप इसे रिमूव करना चाहते हैं, तो ये आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर को सेलेक्ट कर लिया है, तो चलिए बारी बारी से सबको देखते हैं। ये हमने एक पिक्चर को सेलेक्ट किया है, यहाँ पे हमें इस मोहतरमा को यहाँ से रिमूव करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको एडिट वाले ऑप्शन पे जाना होगा। ये आपका एडिट का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे एक थ्री डॉट है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑब्जेक्ट इरेजर का, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको ये पूरा सेलेक्ट करना है, जितना भी आप रिमूव करना चाहते हैं। तो चलिए इसे हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्शन आप अच्छे से कीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे इरेज वाला ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया है और देखिए ये मोहतरमा गायब हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको डन पे क्लिक करना है और ये पिक्चर आपको यहाँ से सेव करना है। ये पिक्चर आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला पिक्चर देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एडिट वाले ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट इरेजर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद फिर यहाँ से आपको सेलेक्शन करना है। तो चलिए हम इसे पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसे अच्छे तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ इरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर यहाँ से देखिए रिमूव हो गया है। इसे यहाँ पे डन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे सेव करेंगे तो ये पिक्चर सेव हो जाएगा। चलिए अगला पिक्चर देखते हैं। यहाँ पे पिक्चर है एक सेव ट्रीज का। वैसे ट्रीज हमें बचाना ही चाहिए, ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए इसे हम यहाँ से पहले रिमूव करेंगे। उसके लिए यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, फिर आपको थ्री डॉट पे जाना है, ऑब्जेक्ट इरेजर पे जाना है और उसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है जो भी आपको रिमूव करना है। तो चलिए हम यहाँ से इसे अच्छे तरीके से सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे इरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक देखिए यहाँ से रिमूव हो गया है। उसके बाद फिर यहाँ से डन करेंगे, उसके बाद फिर सेव करेंगे तो ये पिक्चर सेव हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। इसमें जैसे ये है, आपने बचपन में एक खेल खेला होगा, कौआ और मैना और, तो चलिए हम इसे आज सच्ची में उड़ाने वाले हैं। तो यहाँ से बस यहाँ से आपको एडिट पे जाना है। एडिट पे जाने के बाद थ्री डॉट पे जाना है, फिर ऑब्जेक्ट इरेजर पे जाना है। और चलिए हम एक बड़ा वाला पिक्चर को रहने देते हैं, बाकी जितने भी बर्ड हैं ये सब जो अदर ऑब्जेक्ट है इसे सेलेक्ट करके रिमूव करेंगे। तो यहाँ से हम इसे रिमूव करेंगे, सेलेक्ट कर लेते हैं, इसे रिमूव करेंगे, सेलेक्ट कर लेते हैं और ये भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इसे भी रिमूव करेंगे। तो चलिए मैंने तीन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया है, तीनों को रिमूव करना है। सिंपली तीनों को सेलेक्ट कर लिए हैं, उसके बाद इरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये तीनों रिमूव हो गया है। उसके बाद यहाँ पे डन करेंगे, फिर आपको यहाँ पे सेव करेंगे। एक अगला पिक्चर और देख लेते हैं। ये हमारा नेशनल फ्लैग है, यहाँ पे हमें इस वाले ऑप्शन को हटाना है, इस वाले ऑब्जेक्ट को हटाना है, ये वाला पूरा हमको रिमूव करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एडिट वाले ऑप्शन पे जाना है। एडिट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, फिर आपको थ्री डॉट पे जाना है, ऑब्जेक्ट इरेजर पे जाना है और यहाँ पे आपको ये अच्छे तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ये पूरा रिमूव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे छोटा सा बर्ड भी है ऊपर पे, इसे भी हमें हटाना है। तो यहाँ पे इसे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ये भी हट जाएगा। उसके बाद डन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको सेव करना है और ये पिक्चर सेव हो जाएगा। इसी तरह की नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इसी तरह की नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।